आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC लिमिटेड आई हुई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे जो डिटेल्स में वैकेंसी की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव लेवल फ्रेशर की वैकेंसी है ईवन ग्रेड पे, तो पे एंड स्केल की बात करें यहाँ पे तो पोस्ट है आपका ई1 लेवल पे एग्जीक्यूटिव फाइनेंस ऑफिसर। बेसिक पे आपका स्टार्टिंग होने वाला है 1,60,000 टू 1,80,000, तो बेसिक आपका 60,000 होगा। उसके ऊपर आपको यहाँ पे 35 पर्क्स और अभी जो करंटली 36-37 है DA, अगर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो काफी ग्रॉस सैलरी आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर HRA बेसिक DA ये सब करें तो 1,17,000-18,000 तक बनने वाला है। तो काफ़ी अच्छा पैकेज यहाँ पे है और प्रिपरेशन कैसे करना वो सारी भी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे। तो आइए अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। उसके बाद में नेम ऑफ द पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फाइनेंस अकाउंट्स वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट डिग्री विथ ICWA और CA मांगे, यानी कि CA और CMA के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इसे अप्लाई करने के लिए। MBA विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस विथ 60% मार्क्स और ग्रेजुएट विथ MBA फाइनेंस विथ 60% है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। और ये जो 60% रिक्वायर्ड है ये ओनली फॉर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 48 है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज यहाँ पे वेरिफिकेशन दिया हुआ है। सेकेंड यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी वैकेंसी है फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के नाम से। शुड हैव पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड शुड हैव मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ICA जो कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफिकेशन जिनके पास उनका यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके लिए नंबर वैकेंसी यहाँ पे 4 है। अगर आप PSU एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट्स बैकग्राउंड की से रिलेटेड तो davidcruise.com पे जरूर विजिट करें और लॉग इन करते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं PSU के ऑनगोइंग जो एग्जाम्स होने वाले हैं या अपकमिंग एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रिपरेशन के सारे जो पैकेज हैं वो सब कुछ मिल जाता है जिससे आप अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए, प्रिपरेशन टिप्स चाहिए या कैसे तैयारी करना है तो उससे रिलेटेड चैट के थ्रू आपको सारी फीडबैक हेल्प सब कुछ आपको मिल जाएगा विद एक्सपर्ट टीम से। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं और PSU एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो एक बार विजिट करें davidcruise.com पे और अपने प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएं जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंक्लूडिंग दिस नोटिफिकेशन। इस प्लेटफॉर्म का जो भी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो एक बार क्लिक। एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे 30 ईयर्स रखा गया है। OBC का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है 33 ईयर्स तो इस तरीके से यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 30 ईयर्स तक के लोग हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इसे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका CVT बेस्ड है टू मिनिमम 45% मार्क्स फॉर जनरल OBC यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें 45% मिनिमम आपको मार्क्स लाने हैं एंड 40% फॉर SC/ST कैंडिडेट दिया गया है। फॉर वन पोस्ट देयर विल बी 5 कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड। तो यहाँ पे इस तरीके से वैकेंसी किया जाएगा। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल कॉल फॉर द इंटरव्यू। तो CVT देन आपका इंटरव्यू होने वाला है फाइनल सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे जो आपका फाइनल मार्क्स होगा, देखिए मार्क्स CVT का 60, क्वालिफिकेशन 25, 20 मार्क्स फॉर इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अप टू 5 मार्क्स फॉर एडिशनल लिनियर हायर क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो टोटल आपका 15 इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आपका टोटल 100 यहाँ पे बेसिस हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। बात करें फॉर्मेट क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, तो यहाँ पे देखिए कंसर्न डिपार्टमेंट से 80 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे यानी कि फाइनेंस अकाउंट बैकग्राउंड से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में जो कि सारा यहाँ पे कवर होगा आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग जो सिलेबस है 30 मार्क्स का। सो टोटल यहाँ पे 1,150 क्वेश्चन आपको होने वाले हैं जहाँ पे आपको 300 यानी 180 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाला है कोई, तो ये एक अच्छी बात है कि आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर यहाँ पे बताया गया 6 टेस्ट सेंटर अभी रखे गए हैं, जो भी आपके नियरेस्ट है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको डेट यहाँ बताया गया है कि 18 अक्टूबर टू 7 नवंबर आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी अप्लीकेशन फीस जो भी है उसके थ्रू आप पे करके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे 300 बताया गया है जनरल OBC ड्यूलसेस, बाकी जो भी हैं उनके लिए कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट जैसे कि बताया मैंने आपका 18 अक्टूबर है एंड लास्ट डेट है आपका 7 नवंबर 2022। अदर जनरल टर्म्स कंडीशन यहाँ पे मेंशन है जिसे आप
पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, तो सिलेबस में देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग होने वाला है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो बताया गया है। कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी, टैक्सेशन, ये सारे बताए गए हैं। और स्पेसिफिकली चैप्टर यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉन्टेंट जो है वो बताया गया है। तो इसका प्रिपरेशन आप davidgurus.com से कर सकते हैं, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहां से आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लें।